ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के पानी की शुद्धता को लेकर सवाल उठे हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने चंडीगढ़ के पानी की रैंकिंग दी है। पानी की रैंकिंग में चंडीगढ़ को 8वें नंबर पर रखा गया है। भारतीय मानक ब्यूरो की रैंकिंग के हिसाब से चंडीगढ़ के पानी की शुद्धता को 8वां रैंक मिला है। इस रैंकिंग ने चंडीगढ़ नगर निगम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नगर निगम के मेयर राजेश कालिया के मुताबिक चंडीगढ़ के लोगों को स्वच्छ और साफ पानी देना नगर निगम की प्राथमिकता है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। राजेश कालिया ने साफ साफ कहा है कि शहर में दूषित पानी जैसी कोई समस्या नहीं है, फिर भी चीफ इंजीनियर को बुलाकर रिपोर्ट मांगी गई है। देखिए, चंडीगढ़ के अंदर जहाँ हमारा 39 सेक्टर के अंदर पानी कलेक्टिंग सेंटर है, जहाँ हम पानी को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद पूरे चंडीगढ़ के अंदर भेजते हैं, वहाँ हमारे पास लेबोरेटरी है और बहुत ही अच्छे मानक दंड की लेबोरेटरी है, और वहाँ मुझे नहीं लगता कि कभी पानी की प्रॉब्लम आई हो। लेकिन जहाँ से देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जहाँ से सैंपल लिए हैं, हो सकता है वहाँ की पानी की जो स्थिति है वो ठीक ना हो। इसके ऊपर आज ही मैंने चीफ इंजीनियर से भी बात करके आज ही ऑर्डर जारी किया कि कहाँ कमी है पानी की, इसको देखें। रैंकिंग के लिए सैंपल कहाँ से लिए गए, निगम को इसकी जानकारी तक नहीं। निगम के मेयर का कहना है कि चंडीगढ़ से ही पंचकुला और चंडी मंदिर को पानी दिया जाता है। मेयर राजेश कालिया ने कहा कि इस सर्वे के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली है, साथ ही इसमें कौन से मानकों के आधार पर रैंकिंग तय की गई है उसकी भी जानकारी नहीं है। लेकिन चंडीगढ़ का पानी इतना साफ है कि आरओ की भी जरूरत नहीं, और जो कमी है उसको हम पूरा करें ताकि हम चंडीगढ़ के लोगों को स्वच्छ और साफ पानी दे सकें, ऐसा हमारा प्रयास है। रैंकिंग जारी होने के बाद नगर निगम में हड़कंप मच गया है। अब देखना ये होगा कि नगर निगम चंडीगढ़ में पानी की शुद्धता को साबित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है। चंडीगढ़ से पूजा वर्मा की रिपोर्ट, खबरें अभी तक।